और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे बड़े और पॉपुलर पबजी चैनल के ओनर आदि सावंत यानी डायनमो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आदित्य सावंत का जन्म 3 जून 1996 को मिसिज वैशाली सावंत और मिस्टर दीपक सावंत जी के घर मुंबई महाराष्ट्र में एक मराठी फैमिली में हुआ। मॉम डैड के अलावा उनकी फैमिली में एक सिस्टर है जिनका नाम आराध्या है और करंटली डायनमो की फैमिली लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स अंधेरी वेस्ट मुंबई में रहती है। उनके फादर एक गर्ल्स स्कूल में टीचर हैं। डायनमो की स्कूलिंग मुंबई के एक स्कूल में हुई। क्लास 6 तक वो एक होनहार स्टूडेंट थे जो क्लास में अक्सर 90 प्लस स्कोर किया करते थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पे एक गेमिंग पार्लर था जहां वो हमेशा स्कूल से आते समय वहां कुछ लोगों को टीवी के सामने चिल्लाते हुए देखा करते थे। उन्हें ये समझ में नहीं आता था आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। सो एक बार सैटरडे को स्कूल से छुट्टी के बाद वो अपने दोस्त के साथ पार्लर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने वहां देखा कि कैसे लोग रिमोट हाथ में लेके अपने गेमिंग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ये सब देख के काफी अच्छा लगा और उन्होंने भी वहां खेलने का मन बना लिया। वैसे उनकी मॉर्निंग स्कूल होने के कारण वो ज्यादा टाइम घर में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए उनकी मॉम उन्हें 5 रुपीज दिया करती थी ताकि वो कैंटीन में जाके कुछ समोसा वगैरह खा लें। और वो एक अच्छे बच्चे की तरह उन 5 रुपीज का समोसा वगैरह खा लिया करते थे। लेकिन जब से उन्होंने उस पार्लर को देखा तब से उन्होंने उन 5 रुपीज को ब्रेकफास्ट में ना खर्च करके उस गेमिंग पार्लर में गेम खेलने में लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पहले दिन वहाँ गेमिंग पार्लर में 5 रुपीज देके वीडियो गेम खेला और उस आधे घंटे में वो सच में गेमिंग के दीवाने हो गए और उनका पार्लर में गेम खेलने का सिलसिला करीब 3 साल तक चला, जहाँ डायनमो अपनी मॉम द्वारा दिए गए पैसों को गेम खेलने में लगा दिया करते थे और देखते ही देखते उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो गई थी। लेकिन इधर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लगी, यानी जो मार्क्स कभी 90% हुआ करते थे वो 10th स्टैंडर्ड में आके 78% हो गई। 10th के बाद पॉकेट मनी से मिले पैसों से उन्होंने अपना पहला फोन नोकिया 6300 लिया, जहां अब वो अपना ज्यादातर समय फोन में ही गेम खेलने में बिताने लगे और इस तरह से धीरे धीरे उनकी पढ़ाई से दूरियां बढ़ने और गेमिंग से नजदीकियां और भी ज्यादा होने लगी। वैसे आउटडोर गेम्स में भी वो काफी अच्छे थे। उन्होंने नेशनल लेवल तक फुटबॉल, स्टेट लेवल तक बैडमिंटन और टेबल टेनिस भी खेला है, इसलिए कभी कभार अपने पापा को दिखाने के लिए वो पढ़ लिया करते थे, यानी अब वो बस पास होने के लिए ही पढ़ा करते थे, जिसका आउटकम ये निकला कि उनकी 12th में 67% आई। जिसके बाद घर वालों के कहने पे उन्होंने फॉर ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ले लिया। तो चलिए बात करते हैं डायनमो की यूट्यूब जर्नी के बारे में। 2010 में उनके एक कजन ने उन्हें एक लैपटॉप दिया जिसमें वो IGI, GTA Vice City, रोड रश जैसे ऑफलाइन गेम खेला करते थे। उन्होंने अपने डैड को मनवा कर अपने घर में इंटरनेट भी लगवा लिया ताकि वो काउंटर स्ट्राइक जैसे ऑनलाइन गेम्स भी खेल सके। इसी दौरान यानी 21 जुलाई 2010 को उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल डायनमो गेमिंग क्रिएट किया और वहाँ अपनी काउंटर स्ट्राइक बैटल फील्ड वाली वीडियोज को अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया। सो एज ए गेम लवर होने के नाते वो लैपटॉप बस उन्हीं के पास रहता था, लेकिन एक बार लैपटॉप में मॉइस्चर घुस जाने से उनके लैपटॉप के कुछ कंपोनेंट्स खराब हो गए जिसके कारण अब वो कोई भी गेम नहीं खेल पा रहे थे, यानी लैपटॉप बंद सो नो गेमिंग। इसलिए उनके फादर ने अब उनका इंटरनेट भी हटवा लिया और अब वो बस फोन में ही चेक किया करते थे कि कब कंप्यूटर के प्राइस घटेंगे ताकि वो सस्ते दामों में अपने लैपटॉप के कंपोनेंट्स खरीद सकें। और ऐसा करते करते दिन बीतने लगे, साल बीता और पूरे 1.5 साल तक वो अपने दोस्त के घर ही ज्यादातर समय गेम खेलने और देखने में बिता दिया करते थे। उसी दौरान यानी 2015 में डोटा गेम के न्यू अपडेट ने उनके गेम खेलने की भूख और भी बढ़ा दी, जिसके बाद उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्हें अब हर हाल में लैपटॉप या PC की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अब जिद पकड़ ली कि उन्हें भी गेम खेलने के लिए लैपटॉप चाहिए। इसलिए उन्होंने घर वालों का अटेंशन पाने के लिए करीब 7 दिन तक अपने रूम में अकेले रहना, खाना प्रॉपर तरीके से ना खाने वाली ट्रिक अपनाई जो फाइनली वर्क कर गई। उन्होंने अब डोटा 2, एपेक्स लेजेंड्स, बैटलफील्ड 3, GTA 5 और काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव जैसे गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया, जहां वो इन गेम्स के हाइलाइट्स को अपने चैनल में अपलोड करने लगे। इसी दौरान पबजी PC गेम लॉन्च हुआ जिसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। इस गेम की पॉजिटिव रिव्यूज देख के डायनमो ने भी पबजी PC बीटा वर्जन को खेलना और लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया। बट सैडली 1 महीने तक कोई भी एक्सटर्नल वॉचिंग नहीं आई, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन्होंने अपनी उस समय की हाईएस्ट वॉचिंग 47 अचीव कर ली। वो पबजी गॉड श्राउड से काफी इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी स्नाइपिंग स्किल को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फरवरी 2018 में जब पबजी मोबाइल आया
तो इंडिया में बढ़ती इसकी जबरदस्त रेटिंग ने इसे पॉपुलर और ट्रेंडिंग गेम बना लिया। उन्होंने अब उसके बाद डेली बेसिस पे पबजी मोबाइल इन पीसी वाया इम्यूलेटर स्ट्रीम करना स्टार्ट कर लिया। उनके चैनल की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ने लगी और अपने स्ट्रीमिंग के एक वीक के अंदर ही उन्होंने 5000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए और इसी दौरान वो पबजी सीजन 3 के कॉन्करर टीयर में पहुंच गए। उनकी पबजी में स्नाइपिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि कई लोग उन्हें अब हैकर तक बोलने लगे। उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था बट उनके लाइव वॉचिंग के ग्राफ के साथ साथ उनका अब ईगो भी बढ़ने लगा, जो वो खुद अक्नोलेज किए आफ्टर एन इंटरव्यू, जहां वो बोल दिए कि मुझे लॉन्ग रेंज में हराना लगभग इम्पॉसिबल है। और उन्हें अब धीरे धीरे हिट मिलना भी स्टार्ट हो गया क्योंकि वो कई बार अपने फैंस से झूठ भी बोलने लगे और कई लोग उनके अगेंस्ट वीडियोस बनाने लगे, जिसके रिस्पांस में डायनेमो लाइव स्ट्रीम में वो चीजें बोलने लगे जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थे। उनके फादर ने उन्हें समझाया कि बेटा, इतना कम समय में इतनी सफलता मिल गई, बस इस सफलता को बरकरार रखना, घमंड कभी नहीं आने देना, नहीं तो पता चला घमंड आ गया और आदमी की पूरी सफलता भाग गई। इसलिए बेटा, अपने आप को अच्छे से संभालना और सबका आदर और सबका सत्कार करना। उसके बाद उन्हें खुद रियलाइज हो गया कि एक जनता ही है जो आपको चाहे तो एक पल में ऊपर ले जा सकती है और अगले ही पल नीचे, इसलिए अपने फैंस से हमेशा लॉयल रहो। उन्होंने उसके बाद फेक डायनेमो वाली सीरीज स्टार्ट कर ली ताकि वो ये जान सके कि लोग उनके प्रति क्या नजरिया रखते हैं, जिसे दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। उनकी डायनेमिक आर्मी दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होने लगी और 31 दिसंबर 2018 को उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का भी आंकड़ा पार कर लिया और उसके बाद उन्होंने लाइव वॉचिंग में रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, जिन्हें वो खुद ही तोड़ा करते थे। उन्होंने उसके बाद इम्यूलेटर से मोबाइल में स्विच करके ये साबित किया कि वो पबजी मोबाइल में एक काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट डायनेमो गेमिंग। डायनेमो 2019 में पबजी स्टार चैलेंज के तहत पॉपुलर गेमिंग क्रिएटर में वोटिंग के जरिए नंबर 1 गेमिंग क्रिएटर चुने गए। 29 सितंबर 2019 को डायनेमो यूट्यूब इंडिया द्वारा आयोजित पॉपअप स्पेस इवेंट दिल्ली में इंडिया के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स से मिले, जहां उन्होंने क्रिएटर्स को अपने चैनल ग्रो करने के टिप्स बताए। उन्होंने पुलवामा अटैक में शहीदों के परिवारों के लिए 1,00,000 रुपीज डोनेट किए थ्रू हिज लाइव स्ट्रीम। उसके अलावा अक्टूबर 2019 को बिहार और आसाम में फ्लड पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने लाइव स्ट्रीम से फंड भी रेज किया। अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ से रूबरू कराने के लिए उन्होंने 26 अक्टूबर 2020 को अपना व्लॉगिंग चैनल डायनो व्लॉग्स क्रिएट किया। डायनेमो अपने गेमिंग कैरेक्टर का नाम डायनेमिक रखना चाहते थे बट उस गेम में ओनली 6 लेटर के रेस्ट्रिक्शंस के चलते उन्हें उसे डायनेमी रखना पड़ा। बट आफ्टर वॉचिंग डायनेमो मैजिशियन उन्होंने तब अपना गेमिंग नेम डायनेमो ही रख लिया। अपने कॉन्फिडेंस एंड मैच्योर नेचर की वजह से डायनेमो ने अपने सब्सक्राइबर्स का प्यार पाया है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बाकी अन्य गेमर के मुकाबले काफी अच्छी है, जो उन्हें दूसरे गेमर्स से बिल्कुल अलग बनाता है। वैसे वो सिर्फ अपने गेम प्ले के लिए ही फेमस नहीं है बल्कि उनकी स्पीकिंग स्किल काफी लाजवाब है। उनका मकसद सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है और वैसे भी एक गेम को लगातार खेल के दर्शकों को एंटरटेन करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं होता है। स्टार्टिंग में कई लोग उन्हें रियल गेमर नहीं समझते थे क्योंकि वो एक मोबाइल गेम को इम्यूलेटर में खेलते थे, बट उन्होंने उसके बाद मोबाइल में स्विच करके सबको बता दिया कि वो काफी मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके।